आ जाइए इधर, आ जाइए बाबा जी को जगह दो मेरे, बाबा इधर आओ, इधर वकील साहब से मिलवाऊंगी आपको, बेटा थोड़े पीछे आ जाओ, बाबा यहाँ बैठो, जो सवाल पूछ लिए उन्होंने, हाँ बाबा ये दोबारा पूछ रहे वकील साहब उन सवालों को, कल चिल्ला वाले वकील साहब है, सरकार के वकील साहब है, सुन भाई तू सरकार का वकील है तो चला जा बाबा, हमने तेरा यो कटिंग पसंद नहीं उनके वह सवाल पूछे रहने के लिए, नहीं कहना जी बाहर नहीं कर सकता किसी को भी, जब उनके सवाल नहीं कर सकेंगे जिस पे हमें शक होगा, जिस पे हमें शक होगा हमने रात ही तेल के बाहर कर दिया, आप सही है तो उत्तर दो ना, बड़ा घबरा क्यों, दे दिया ना सर, कल जवाब दे दिए सारे सोलंकी भाई, गलत करेगा या हमने हम बाहर कर दिया, गलत कैसे कह सकते हो आप, उनको यूं कह देंगे कि उनका सवाल एक बार पूछ चुके हैं, वो पूछ चुके हैं बड़े भाई, नहीं पूछ जाएगा, नहीं आप बताइए उनके आप आंदोलन के सवाल पूछ जाएगा, एक ही मांग पर हो आप 50 सवाल, आप भी तो एक ही मांग पर खड़े हो भाई, कहां जड़ती हो जाने की, पहले हम दो मांग कर रहे, अरे हम दो मांग कर रहे, कानून लगाओ, अरे एमएसपी का कानून लगा दो, कल भी दे दिया था, हो जाओ थोड़ा भाई प्लीज, नहीं नहीं कोई नहीं बोलेंगे, क्या कर दो, कितने सर्वे कराया, कितने लोग मांगे कानून रद्द हो, कुछ सर्वे आया बस, कितने लोग मांग है कानून रद्द हो, जितने हैं इनकी सबकी मांग है, जो काम ना करते हैं डजन की, दो गांव में आंदोलन कर रहे, 135 करोड़ है, कितने परसेंट लोग हैं जो कानून रद्द करना चाहते हैं, 135 करोड़ में 135 करोड़ मांग कर रहे, सर्वे करा लिया, अपना सर्वे हमने तो करा लिया, सुनो जो इस बिल का सहयोग करता है तुमने करा, हम अपना सर्वे करवा लो, नहीं थी तो यार बैठ के बैठ के इन्होंने भेजे तो सर्वे कर, सुन के जोड़े लगे पत्थर लगे, अरे बाबा ऐसा है बीजेपी कुछ गरीब है, बीजेपी जीत क्यों रही है, बीजेपी बीजेपी ने भर कर जीता दिया, परसों जीती है कुछ दिन पहले, और ये उम्मीद न्यू कर ले, सुन बैलेट पेपर जीती बाबा, बैलेट पेपर जीती है, जो सवाल हैदराबाद में, जो सवाल तू कर रहा है उसके बाद में जवाब मेरा, हाँ हमने मना करी तीन तय चौधरी चरण सिंह ने कह दिए थे, अगर जब बीजेपी और आरएस देश में आ जाएगी इन किसानों का बेड़ा गर्क कर देगी, एक सवाल का जवाब पूरा होंगे, जब पूछिए बात बहुमत से सरकार जीत रही है, मैं और हड़का भी हूँ क्रांति करने में, सुनो इसी बात का जवाब, पर ये महरे बालक भका लिए, हमने कही आर एस एस सर जनसंघ जितना आ जाएगी बेड़ा गर्क कर देगी, इन्होंने की हरे चरण सिंह के नाम का जट लग रहा, अब इनका जट छुटा दिया इनने, इन्होंने पता हो गया सबने, 38,000 करोड़ रुपए एक साल पहले की रिपोर्ट दे रहा हूँ, इन्हीं की इंटेलिजेंस है, 38,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने इन बच्चों के फार्मों में कमा लिए, और नौकरी एक बाबा नौकरी मिली है मेरे चौधरी चरण सिंह के बेटा पोते दो हरा दिया आपने, क्या चौधरी चरण सिंह के सुरखी चौधरी चरण सिंह के बेटा पोते दो आपने हरा दिए, अरे बोलता इनकी हमने हरा दिए, और दो बार हरा दिए, दो बार सुन डीएम को ऑर्डर कर दिया इन्होंने, अखबार अंधेरा कर दो, और इन्होंने अंधेरा कर दिया, लड़की से गिनती होते होते अंधेरा कर दिया, बिजली गुल कर दी, और ये हरा दी, एक बार कर दी, दो बार कर दी, हाँ हाँ याकूब जीत गया था और प्रमाण पत्र मिल गया था, और उसने यूं कह दी मेरठ में अब तेरी जितनी फैक्ट्री है सब बंद कर देंगे ना तुझे हरा सब, ये तो बाबा नंबर है, 2014 में किसको वोट दिया था आपने, किसने, हमने ना दिया इन्हें एक बार भी, मैं तो एक नहीं, आपने किसको वोट दिया था, मैं तो मोदी जी को वोट दिया था, हमने नहीं दिया, मैंने इसलिए दिया था देश का विकास होगा उद्धार होगा, मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया, 2019 में भी मैंने बीजेपी को वोट दिया, 2014 में आपको लग रहा था काम होगा, ये मोदी ने वादे कर दिए, जब कुछ लगा प्रोग्रेस हुई, कुछ ऐसे हमारे देश में काम हुए तो लगा कि अब शिक्षा
सभी सुधरेगी। अरे इतने सिस्टम एक दो तक कर रही है इन्होंने, हमें भी और होगा। 2014 में लग रहा था कि 19 क्यों हो, हमें थोड़ी पता है। मुझे किसान तो पहले से सड़क पर है, जब नहीं करा था ऐसा चला आंदोलन। किसानों की मांग तो पहले से याद है, चुरासी में भी आए आंदोलन, जब भी करा। ये तीन जो आए सिस्टम इतने तगड़े वाले, ये है उग्रवादी, ये नहीं झुक रहे, ये उग्रवादी। उग्रवादी कह रहे हो, जनता जिताई जा रही है उनको, जनता जिताई जा रही है। हम बताओ उग्रवादी कैसे, देश का जो नुकसान करेगा वो उग्रवादी होगा, देश का जो फायदा करेगा वो वोट को दे रही है। जनता वोट को दे रही है, नहीं हमने, आपने बालक भका लिए, बालक भका लिए, युवा भका। सुनो कोर्ट से ये जो कह रहे अब युवाओं ने निर्माण कर रहे हैं, ये युवाओं ने नहीं भेजना चाह रहे, अब इनकी बेचारे की बुद्धि थोड़ी कश्मीर में है, अभी ये समझा रहे नहीं होते। जो युवा है वो बहका ही नहीं है, सही दिशा में जाना चाह रहे हैं उनको आगे चल के। वो इन 14 साल में एक जवाब दे दो तू, मैंने बताओ इन 14 साल में कितने युवाओं को नौकरी दी इन्होंने, बता दे। हाँ तो नोर बनाएंगे, बताओ हाँ तो नोर बनाएंगे। सुनो मैं 35 क्विंटल मुंजी बेच का है गढ़ में, और मेरी मुंजी 70,000 की बिकती और एमएसपी भाव होता, और मुझे 30,000 रुपए मिले, जो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। विदेशों में जाते हैं सुंदर पिछा के नाम सुनाओ, करोड़ रुपए महीने कमाते हैं। विदेशों में सिर्फ मोदी जा 8-8,000 के सूट पहन के, कौन से प्रधानमंत्री ने पहने, किसी ने नहीं पहने, लाल बहादुर शास्त्री रूस गया था वो जमाने की पहने, अगर बच्चे पहने और बच्चे पहने सब पहने से जाते नहीं, इतनी कीमत इसने सारे देश का पैसा घूमने में और अपनी वोटिंग में लगा दिया। ये उन बेईमान में मेरी सुन, जितने इसकी डाडी में बॉल है उतने इसमें का बेटा खेती नहीं करना चाहता, ये प्रश्न कोई बेटा खेती नहीं करना चाहता, पढ़ नहीं चाहता, सुनो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना चाहता, अपने आदमी बनना चाहता, क्या काम करना चाहता है। जब किसान खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या, जब किसान का बेटा खेती में जाएगा तो वो खेती नहीं करेंगे तो भूखा मर जाएगा। और रही यूं बता दे खेती नौकरी कर रहा है, कोई किसान खेती करेंगे जरूर ना, आज किसका बोया खड़े, किसान का बोया खड़े हो उनसे हमने फावड़े बजा के खेती में नुकसान हो रहा, यूँ ना बजाते नुकसान हो रहा। जैसे की मैं बता रहा हूँ 70,000 का माल पे, हम भी किसान के परिवार से ही है, हम इन फ्यूचर में कभी भी वोट नहीं देंगे मोदी। आज हमें समझ में आया, आज हमें समझ में आया युवाओं को कि हमारे पापा क्यों मना करते थे कि वोट नहीं देना बीजेपी को, क्यों मना कर रहे। हम तक काले कानून के खिलाफ भी, और काले कानून ना लाते और एमएसपी पे कानून बना देते, इन्हें कोई हटाने वाले नहीं। सुनो कौन से बताया तू, इन्होंने ना मिला कोई भी, कोई जीव के संपर्क आ रहा है, ये गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, सब पता है।
बंद कर दो और क्या ऐसा बंद कर दो ना दबा हुआ तीर है हां सही कह रहे हैं बस अब क्या सींग ऐसे हो रहे हैं दो जो चाके अब बिना खटे काम नहीं चले पर खटेगा इनका हमारा खटे नहीं हमने तो